कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थी ठीक है ना लड़कियां वो जाती डांस सीखने, तो होता था तो मुझे थोड़ा लगता था, छोटे थे उस समय तो लगता था कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अगर आप दिखाओगे नहीं ठीक है ना, बताओगे नहीं कि डांस बिना बताओ कमरे में बंद करके रख रहे हो, बोलो कि नहीं हमको प्रोग्रेस चाहिए, कहाँ से प्रोग्रेस मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इस तरह बच्चों को माँ बाप के मैं सबसे पहले माँ बाप होते हैं ठीक है, और बच्चों को मोटिवेट करें एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए, उन्हें अलग ट्रीट ना करें ठीक है। बचपन से हम डॉक्टर के पास जाते थे करते थे, तो हम देखते थे मतलब डॉक्टर्स की सेवा भावना कैसे लोगों को वो करते हैं ठीक है ना, लोगों को ठीक करते हैं वो, ये सब चीज़ों से मुझे अच्छी लगती थी जब चीज़ें लोगों की सेवा करना वगैरह, तो मुझे इससे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली। और अंकल को भी देखे हम अंकल कितना सेवा करते थे लोगों का मतलब बच्चों को ठीक करते, इससे भी मुझे प्रेरणा मिली। और डॉक्टर बनने में सोशल बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो वो चीज़ था पहला बात। दूसरा बात ये था कि मेहनत तो करना ही पड़ता हर बच्चे को, ऐसे सुनने मिलता है 14-15 घंटा हम भी पढ़ते थे एग्ज़ाम देते थे सब करते थे, तो करना पड़ा हम भी मेहनत करते थे। फिर दूसरी बात, तीसरी बात ये कि बाकी लोग बहुत कुछ बोलते थे क्यों जा रही हो, चल नहीं पाती हो, दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होगा चलने उड़ने में, लोग मुझे बोलते थे। पर मुझे था कि नहीं मुझे बनना है, मेरा ये सपना था कि मुझे बनना है डॉक्टर तो बनना है, दिक्कत होगा क्या होगा ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे डील करना है, हम कर भी लेंगे, बस मुझे दिमाग बस यही था और कोई दूसरी बात थी ही नहीं, मुझे भूत था डॉक्टर बनने का और कोई दूसरी बात थी नहीं। तो बस इतना ही, मुझे बहुत बहुत कोशिश करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। 12th भी मैं हम पास किए, मोबाइल वगैरह से पढ़ते उड़ते थे 12th के लिए, यूट्यूब पर सर्च कर करके 12th पास किए। उसके बाद फिर बोर्ड्स की तैयारी भी तो करके 12th पास किए, फिर हम नीट की भी तैयारी किए ना, खुद से पढ़ के वगैरह करके, तो फिर कोशिश मेहनत था और आप खुद पर पूरा विश्वास था बचपन से ही, सपने को पाने का जुनून था, बस हो गया। हाँ मुझे छोटे बच्चों का डॉक्टर बनने का बचपन से शौक था, क्योंकि छोटे थे ना तो मुझे कोई बच्चे खिलाने का बहुत शौक़ था, तो मुझे कोई गोद में बच्चा नहीं देता था, बोलता था तुम गिरा दोगी, गिर जाएगा चोट लग जाएगा, कुछ मुझे लगता था कि नहीं मेरे पास ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे पास मतलब हज़ार बच्चे रहे मुझे मेरे गोद में, मुझे ऐसा था बचपन से ही, बचपन बच्चों का डॉक्टर पीडियाट्रिक्स बनना था मुझे। हाँ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, 10th पास कर गया अच्छा, 12th पास कर गया, नीट भी निकल गया, आगे भी कर लेंगे मेहनत करके, दुगना कितना लगे उतना मेहनत कर लेंगे, हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब का क्या योगदान है डॉक्टर जितेंद्र का? अंकल अगर बोला जाए तो अंकल एक साये की तरह मेरे साथ थे, हमेशा मेरे बगल में, तो राइट हैंड होता है कोई इंसान का, इस तरह से थे वो, मेरे सपोर्ट करते थे हमेशा, कभी कोई बात होता था हम चले आते थे जूता वूता बनवाने के लिए, तो बोलते थे अंकल ऐसे बोलता है, तो वो कहते थे ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो ठीक है ना, बस अपने फोकस करो पढ़ाई लिखाई, बहुत दिमाग लगाती हो तुम पगली बोल करके हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा पॉजिटिव, कभी नेगेटिव बात नहीं। इवन मेरा ऑपरेशन भी किए थे तो थोड़ा दिक्कत हुआ, दर्द हो रहा था, उस समय भी मुझे मोटिवेट करते थे कि इसको डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी है, और सेरेब्रल पाल्सी की जो 100 बच्चे हों उसमें 15-20 बच्चे डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, और डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब नॉर्मल मूवमेंट शरीर में बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी ऐसे बच्चे काम करने लगते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करना है, तो उनका टोन और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी ट्विस्ट हो जाती है, उसकी वजह से बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी होते हुए भी एससी ने नीट एग्ज़ाम को क्रैक किया और MBBS में उसका सिलेक्शन हुआ, और अभी वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने जा रही है। जब ये आई थी तो उस समय इसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी था ही, उसके साथ एल्बो से इसका हाथ बेंड ऐसे रहता था परमानेंट, घुटने भी मुड़े हुए रहते थे, पैरों पर जमीन वजन नहीं रख पाती थी, ऑपरेशन हुआ, जबकि डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी में यूजली ऑपरेशन नहीं करना पाता, लेकिन उसके साथ में इसको डिफार्मिटीज भी था, उसके लिए किया गया, भी थेरेपी हुई, और उसके बाद इसकी क्या होगी, पढ़ाई लगातार चलती रही, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें इनकी आती रहीं कि साइकोलॉजिकली अपसेट अप डाउन होता रहा, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या होता है कि बीच बीच में एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम लोगों ने दिया, और आज उसका परिणाम सामने है कि एक ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर किया जहाँ पर मेरे ख्याल में सेरेब्रल पाल्सी से इतनी सिवियरिटी के साथ में दूसरा कैंडिडेट होगा जिसको MBBS मिला है। जो नॉर्मल और दूसरे भी स्टूडेंट होते हैं जो दिव्यांग होते हैं उन्हें भी मतलब डॉक्टरिंग कहते हैं, इसमें और उनमें अंतर क्या रहता है? देखिए जो सामान्यता और जो दिव्यांगता होती है, जैसे पोलियो हुआ या और
कारण से उसमें बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्बल पालसी में क्या होता है, ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है और ब्रेन से अफेक्टेड ये बच्चे होते हैं। 60-70% बच्चों का जो ब्रेन, तो ये मान के चले कि नॉर्मल आईक्यू होता है, या कुछ बच्चों में ज़्यादा भी हो सकता है, 30-40% बच्चों में कम होता है, लेकिन इन बच्चों में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों में एपिलेप्सी की शिकायत होती है, बैलेंस की शिकायत होती है, फाइन मोटर मूवमेंट अफेक्टेड होता है, सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम्स होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है। तो इस तरह की समस्याएं जो होती दूसरी डिसेबिलिटी से इसलिए भिन्न है कि इन बच्चों को अपना शरीर संतुलन रख करके प्रोफेशन में जाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। देखिए, हमने क्या सपोर्ट किया, कोई भी बच्चा है इंटेलिजेंट हो या तो किसी मुकाम पे बढ़ना चाहता है तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती पड़ती है। मेरा जो उसके साथ लगाव रहा एज ए डॉक्टर, मैंने पहले दिन इसको पहचान लिया था कि बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ आगे करेगी। इसके फादर को बार बार हम लोग प्रमोट करते रहे कि देखिए इसका विशेष ध्यान पढ़ाई पर रखना है, किसी तरह से कोई समस्या ना आने पाए, और समस्याएँ आती हैं तो मेरे से संपर्क करें। जब भी इसका साइकोलॉजिकली अप डाउन होता था, फाइनेंशियल इशूज़ आते थे, वो सब हम लोगों ने मैनेज किया,